सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, बिजनेस स्टडी क्लास 12th न्यू बैच 2022 एंड 2023। इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ आपको कौन सी बुक परचेज करनी है, चाहे हिंदी के स्टूडेंट हो आप, चाहे बिजनेस इंग्लिश में ले रखी हो, सारी चीज़ें इसी में बताने वाला हूँ। साथ के साथ दोस्तों आपका न्यू सिलेबस भी बताने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू सीजन के अकॉर्डिंग। अभी तक किसी ने भी दोस्तों इस पे वीडियो नहीं बनाया कि आप टर्म वन और टर्म टू का आपका सिलेबस क्या रहने वाला, तो बताऊंगा दोस्तों मैं प्रॉपर इसी वीडियो में, यानी प्रॉपर बिजनेस स्टडीज का। तो स्टार्ट करते दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए, कोई इंटरेस्ट नहीं, डायरेक्ट दोस्तों फटाफट से जम करते। तो अब बुक्स कौन कौन सी आपको लेनी है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा आप जो पढ़ते ही हुए हैं 11th में आपके लिए दोस्तों लगाई जाती है आरके सिंगला की बुक। 11th में आपने बच्चों ने पढ़ी होगी, और अलग अलग टाइप के ऑथर होंगे जो आपके भी, कमेंट करके जरूर बताएं आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ रहे थे 11th में, जो भी बच्चा देख रहा होगा 11th के बच्चे 12th में आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ना अब यहाँ पर आपको एक बिजनेस स्टडी की बुक आती है दोस्तों, जो है प्रॉपर आरके सिंगला द्वारा ही दी गई है। ये प्रॉपर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए एक बुक आती है दोस्तों, आरके सिंगला हो गया ये प्रॉपर। एक बुक आती है हिंदी के लिए व्यावसायिक अध्ययन, यानी ये हिंदी में आती प्रॉपर इसी का वर्जन है, यानी यही इंग्लिश में और यही हिंदी में। यानी बुक्स की अगर हम बात कर ले बेसिक इन शॉर्ट, तो आपको बुक जो जानी है 12th में अच्छा 100% स्कोर करने के लिए, वो भी बिजनेस स्टडीज के अंदर, तो इन बुक के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। इसमें जीरो से एंड तक, मतलब ए से जेड तक प्रॉपर बिजनेस स्टडीज की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन जो आते हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और कह लो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन मार्क क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, प्रॉपर कंसेप्ट, प्रॉपर इन दोनों बुक में आपका कवर हो जाएगा। यानी इंग्लिश वाले ये बच्चे ले सकते हैं, हिंदी वाले ये ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी अब इस बार कंटेंट अपलोड किया जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो पता होंगे दोस्तों, रिलेटेड सारा कॉमर्स से रिलेटेड सारा कॉमर्स का जो भी कंटेंट है इसी चैनल पे अपलोड करता हूं मैं। और हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों आप क्या करें, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें बस, और कुछ नहीं करना। लिंक कहाँ मिल जाएगा भाई, बायो में मिल जाएगा। और इससे पहले भी ऑलरेडी मैं अकाउंट्स की वीडियो बना चुका हूँ डेडिकेट, कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी है और क्या क्या चीज़ें करनी है, तो वो भाई आई बटन में आ रही होगी वीडियो, फटाफट से आप जम कर लो। और हम भी जम कर लेते हैं कहाँ पर दोस्तों, लेट्स जंप ऑन दी सिलेबस ऑफ टर्म वन एंड टर्म टू का दोस्तों। तो ध्यान से दोस्तों देखना है, मैं टर्म वन का प्रॉपर सिलेबस बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। ये सिलेबस जो है 2022 यानी पुराना वाला ही है। अभी तक जैसे कि आपको पता होना चाहिए कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। और आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको पता है क्लास 12 वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूँ मैं आपका क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि 12th में आपको जब तक सिलेबस नहीं पता होगा आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। बच्चा क्या होता है, बुक उठाता है सारा का सारा रीड कर लेता है, ये नहीं करना आपको। प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पहला चैप्टर आता है, या पहले यूनिट कह लो दोस्तों, ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये टोटल 5 चैप्टर आ रहे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। इनके अंदर भी क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें आप बच्चा क्या करता है प्रॉपर पूरा चैप्टर ही याद रट लेता है, जो कि आपको नहीं करना है। और एक बात तो क्लियर होनी चाहिए, 40+10 ऐसे डिवाइड होगा, 40 मार्क्स का पेपर होने वाला और 10 मार्क्स का क्या रहेगा दोस्तों, 10 मार्क्स का प्रॉपर आपका प्रोजेक्ट रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोजेक्ट वर्क है 10 मार्क्स का, प्रॉपर स्टूडेंट वुड प्रिपेयर ओनली वन प्रोजेक्ट इन एंटायर एकेडमिक सीजन विच इज डिवाइड इनटू टर्म वन एंड टर्म टू। अरे बात समझ, जैसे कि अभी लेटेस्ट जो भी अपडेट आया गवर्नमेंट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से, कि भाई अभी तो आपका टर्म वन और टर्म टू में हम डिवाइड करके चलेंगे क्लास 12th के, यानी दो बार बोर्ड होंगे आपके इस साल भी। अरे बात समझ ना, पार्ट भी इसी के अंदर पार्ट होता है मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट भी आपको प्रॉपर पढ़ना है। ये प्रॉपर जो आएगा 16, 14 एंड 10 मार्क्स का चैप्टर है ये, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा भी चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। प्रॉपर आपके मैं ये प्रॉपर चैप्टर वाइज नोट्स भी अपलोड करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसके अंदर आपको डिटेल में पढ़ना क्या है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना। पार्ट वन में प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पहला चैप्टर, इसके अंदर जो आपको पढ़ना है जाके, जब आप चैप्टर में जाते हो तो आपको ये टिक कर लेना यार बुक खोल के अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, बट आप ऐसे पीडीएफ मिल जाएगी तो आप उसको यूज़ नहीं करोगे, मेरे को पता है। आप वीडियो देख रहे हो तो साथ के साथ यार टिक कर लो, बुक आ गई होगी। ओल्ड बुक भी ले सकते हो, आप न्यू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हो गया प्रॉपर, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है चैप्टर दोस्तों, यानी ये जो पॉइंट है पेपर में आता है केस स्टडी के रूप में। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ये आपसे पूछ लेता है। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ यही आपके बुक में दे रखे होंगे, इससे ज़्यादा भी दे रखे होंगे, बट आप उसको नहीं जाना, उसकी तरफ नहीं जाना, आपको यही बुक में यही जो पहला चैप्टर होगा 1.1 के अंदर यही पढ़ने हैं, चार पॉइंट, इसके आगे नहीं जाना है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस आर्ट प्रोफेशन, इसमें आपको सिर्फ नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन पढ़ना है, दैट्स इट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपको अंडरस्टैंड द रोल ऑफ टॉप, मिडल, लोअर, तीन टाइप के होते हैं, ऐसे करके आप पढ़ोगे ट्रायंगल के अंदर, टॉप फिर मिडल फिर लास्ट वाला लोअर हो गया, ठीक है। देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टार्टिंग हो गया दोस्तों, एंड डायरेक्टिंग, ठीक है दोस्तों। इनके अंदर आपको जो जाना है ओनली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना, सिर्फ कि व्हाट आर दी फंक्शन। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन, इसमें आपको डिस्कस दी कंसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एंड लास्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है। बस जो मैं बता रहा हूँ इन पॉइंट्स को पढ़ना है आपको जब चैप्टर में आप जाते हो, और आपको स्टार्टिंग से ये स्ट्रैटेजी लेके चलने क्लास ट्वेल्थ में, अगर आपको स्कोर करना है अच्छा तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर मोटिवेट रहना है हर टाइम के लिए, ठीक है दोस्तों। और साथ के साथ मैं आपको मोटिवेट करने आता रहूँगा वीडियो लेके अलग अलग टाइप की, क्या कि आप मोटिवेट रहो, ठीक है भाई। जब तक मोटिवेशन मिलेगा नहीं तब तक अपन पढ़ेगा नहीं, ये डायलॉग चलता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको क्या पढ़ना है, प्रॉपर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, मीनिंग प्रॉपर पढ़नी है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रॉपर आपको जाना है, फिर फ्योल्स के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको डिस्कस करना है, टेलर के प्रॉपर प्रिंसिपल हैं उनको प्रॉपर पढ़ना है, यानी कुछ नहीं छोड़ना है यहाँ पर, आपको आ रही है बस समझ। नेक्स्ट आता है बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस, यानी ये जो मीनिंग हो गया और डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस, यही दो टॉपिक में बढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है इसके आगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड लीगल। और जल्दी दोस्तों आपके लिए अच्छी, बहुत ही अच्छी अच्छी खबर आने वाली है कि चैप्टर वाइज दोस्तों मैं बढ़ाने वाला हूँ आपके बिजनेस स्टडीज भी इस ईयर के अंदर, क्योंकि बिजनेस स्टडी बच्चा पढ़ता नहीं है, इसलिए हम बिजनेस स्टडीज भी आपको पढ़ाएंगे। डिस्क्राइब द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट नॉर्मल, और प्लानिंग में आपको कंसेप्ट मीनिंग इंपॉर्टेंस हो गया, लिमिटेशन और स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रॉपर, आपको ये चार पॉइंट नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या टिक कर लो, क्योंकि ये प्रॉपर आपके कहाँ पर मिलेगा, बुक की स्टार्टिंग में मिलेगा आपको प्रॉपर, ऐसे करके आपको टिक कर लेना है, ठीक है। और एक मार्कर रखना है आपको अपनी अंडरलाइन करने के लिए चीज़ें क्या क्या पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर, आप देख सकते हो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, वीडियो को फटाफट से एंड करते ताकि आपको भी ना लगेगी भाई मैं आपका 10-15 मिनट ऐसी फालतू में खा गया। ऑर्गेनाइजेशन में अब ना आप 12th क्लास में बच्चे हो तो आपको ये पॉइंट्स देख लो और टिक कर लो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, दैट्स ये टर्म वन का प्रॉपर क्लियर है दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको टिक कर लेनी है, आ रही बात समझ। ये आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ मिलेगी PDF, हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है दोस्तों। फटाफट से जम कर लेते क्लास 12th के टर्म 2 के सिलेबस में, फटाफट से आपको क्लियर कर देता हूँ और डन करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लास 12th का जो सिलेबस रहेगा दोस्तों टर्म 2 का, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तीन चैप्टर आएंगे 20 मार्क्स के। नेक्स्ट है फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये दोस्तों प्रॉपर 15 प्लस में 5 यानी टोटल 20 मार्क्स का ये आएगा, 20 मार्क्स का ये आएगा, 10 मार्क्स का गेन प्रोजेक्ट रहेगा। इसके अंदर भी क्या क्या पढ़ना है आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये आप पॉइंट्स देख सकते हो, यही पॉइंट्स आपको बस पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारी ध्यान से देख सकते हैं आप, ठीक है, इनको टिक कर लें ध्यान से। और इनके अलावा आपको नहीं पढ़ना कि जैसे कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस हो गया, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, बस ये जो पॉइंट्स लेके इन्हीं को पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी, कोई भी रिलेटेड डाउट होता है तो आप कमेंट ड्रॉप कर दो, आपका रिप्लाई एज जैसे भी मेरे को टाइम मिलता है मैं कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट में किसके लिए लेके आऊँ और क्या पढ़ाऊँ दोस्तों। तो आई होप सारी चीज़ें अगर क्लियर हैं, सारे हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को भी, और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो।
fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time.